नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे अपने YouTube चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बिल्व पेड़ की महिमा को बताऊंगा। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। तो कितना भी बड़ा धनी आदमी, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति, लोग चाहते हैं कि वो चारों धाम की यात्रा करें और समस्त तीर्थों में स्नान करें, बट सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं एक ऐसे प्रयोग को बताऊंगा जिसका नित्य प्रति करके मनुष्य समस्त तीर्थों के स्नान की फल की प्राप्ति कर सकता है। तो ये बिल्व का पेड़ है जो भगवान शिव को अति प्रिय होता है। बिल्व के यदि कहते हैं कि यदि आप श्रावण के महीने में 1008 बिल्व पत्र से प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें, तो भगवान शिव की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है और उसका प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलता है। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। तो आपको करना क्या है, हर व्यक्ति स्नान करता है, स्नान के बाद भगवान का ध्यान करता है, तो ऐसा जगह बनाएं जहां बिल्व का पेड़ लगाएं। और बिल्व का पेड़ वैसे हर जगह पाया जाता है, तो स्नान के पश्चात आप बिल्व के पेड़ में यदि नित्य प्रति जल देते हैं तो समस्त तीर्थों के स्नान की फल की प्राप्ति होती है। और मनुष्य को यदि जो भी स्नान वो नहीं स्नान कर पाया है या तो समस्त तीर्थों का स्नान फल प्राप्ति होती है। और बिल्व के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ शास्त्रों में दी गई हैं, बहुत सारे रोगों के कारण इसका नाम बिल्व भी है। इसलिए जो है इसके विषय में और कुछ बताऊंगा आगे मैं आपको अपने चैनल पे। इसलिए आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।